हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द वीडियो लेक्चर ऑफ बीम ब्रिज ऑसिलेटर। बीम ब्रिज ऑसिलेटर कैन बी डिजाइंड बाय यूजिंग द ऑप एम्प और बाय यूजिंग द टू स्टेज कॉमन इमिटर एम्पलीफायर। ओके, द पर्पस ऑफ ऑसिलेटर इज जस्ट और एम्पलीफायर इज जस्ट दे गिव द आउटपुट with the phase shift of 360 degree. Then how the phase shifting of 360 degree is obtained so that the sustained oscillations can be obtained at the output. Now, beam bridge oscillator, first by using non-inverting op amp. Non-inverting op amp यानी कि non-inverting यानी कि plus sign. Okay? वहां पे हम लोग वापस फीडबैक देंगे। ओके, तो नॉन इनवर्टिंग मतलब सेम फेज, अगर आप इनपुट जो दे रहे हैं तो उसका आउटपुट जो आएगा वो सेम फेज में आएगा। अगर इनवर्टिंग में देते लाइक द आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, इन दैट केस दे गिव द आउटपुट विद द फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री। ओके, देन नॉन इनवर्टिंग। ओके, देन इट कंसिस्ट ऑफ नॉन इनवर्टिंग ऑप एम्प एंड आरसी फीडबैक नेटवर्क। Non-inverting op amp gives phase shift of 0 degree, मैंने बताया अभी, and inverting op amp gives the phase shift of 180 degree in the case of RC phase shift oscillator. Okay, now hence RC feedback network should also generate 0 degree, that is the phase shift at frequency f naught or omega naught, and hence it works as an oscillator. ये जो आरसी नेटवर्क है, फीडबैक नेटवर्क, दैट इज एक्चुअली द बीम ब्रिज नेटवर्क। ओके, बीम ब्रिज नेटवर्क, इसको बीम ब्रिज इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं, सेम सर्किट है। ओके, हमने इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं बीम ब्रिज को। ओके, नाउ दिस इज द सर्किट डिजाइन और बीम ब्रिज ऑसिलेटर बाय यूजिंग द ऑप एम्प। दिस इज द बीम ब्रिज ऑसिलेटर बाय यूजिंग द बीजेटी, दैट इज द कॉमन इमिटर एम्पलीफायर। Okay, here two common emitter amplifier is used, in which आपको दिख रहा है, okay, this one, okay, in which its output is feedback to the input of Q1. Input of Q1, its output, Q2 का जो output है वो output C3, और ये beam bridge network होते हुए हम लोग Q1 में input देते हैं। ओके, देन फीडबैक इज गिवन टू द इनपुट ऑफ Q1। अब ये कॉमन इमिटर एम्पलीफायर है, देन इट गिव द फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री। ओके, फर्दर इट आल्सो गिव द अनदर फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री, देन टोटल फेज शिफ्ट इज 360 डिग्री, दैट इज द फेज शिफ्ट क्राइटेरिया ऑफ द सस्टेंड ऑसिलेशन। ओके, नाउ it is used in audio and sub audio frequency range, like the opus 20 hertz to 20 kilohertz, that is the audio amplifier. It is very simple in design, compact in size. Its output is relatively free from distortion, of course fully sinusoidal wave hai, then free from distortion hai. Its frequency can be varied easily, iski frequency ko vary kar sakte, but hamesha wo frequency jo hoga wo resonant frequency hi hoga. ओके, इस फ्रीक्वेंसी को कैसे वैरी कर सकते हैं, बाय वैरिंग द आर वन आर टू सी वन सी टू वैल्यू। ओके, नाउ इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉमन इमिटर एम्पलीफायर वेयर द आउटपुट ऑफ क्यू टू इज फीडबैक टू क्यू वन वायर बीम ब्रिज नेटवर्क, जो भी हम जस्ट दिखाए। इट प्रोवाइड्स टोटल फेज शिफ्ट ऑफ 360 डिग्री और 0 डिग्री बिकॉज इच एम्पलीफायर प्रोवाइड्स 180 डिग्री फेज शिफ्ट। टोटल फेज शिफ्ट ऑफ 360 डिग्री सेटिस्फाई द फेज शिफ्ट क्राइटेरिया टू ऑब्टेन सस्टेंड ऑसिलेशन, ऑफ कोर्स इट शुड बी, हम जस्ट आपको बता रहे थे। ओके, एंड इट इज ऑब्टेन ओनली एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ नॉट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ विथ द यूज ऑफ बीम ब्रिज नेटवर्क द ऑसिलेटर बिकम्स सेंसिटिव टू द पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एफ नॉट एट विच इट इज बैलेंस्ड, ये बैलेंस होना चाहिए उस फ्रीक्वेंसी पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बैलेंस्ड एंड फेज शिफ्ट इज 0 डिग्री और 360 डिग्री। ओके, ये बैलेंस होना चाहिए,
यानी कि जिस फ्रीक्वेंसी पे बैलेंस होगा उसी फ्रीक्वेंसी पे आउटपुट भी देगा, एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। नाउ एनालिसिस Z1, Z1 देखो हमने यहां भी Z1, ये Z1 है हमारा, ओके ये Z1 है, Z1 विच इज ऑल्सो कॉल्ड हाई पास फिल्टर, Z2 दिस वन Z2 विच इज कॉल्ड लो पास फिल्टर, ओके इसको लो हाई पास लो पास हम लोग बोलते हैं फिल्टर, ओके Z3 इक्वल टू R3, ये Z3 है, दिस वन Z3 एंड दिस Z4, Z3 एंड Z4, ओके आप कनेक्शन देख सकते हैं वो था सेम। नाउ ऑफकोर्स अंडर बैलेंस कंडीशन आपको याद होगा मेजरमेंट में आपने स्टडी किया होगा एसी ब्रिज हो या डीसी ब्रिज हो अंडर बैलेंस कंडीशन, ओके Z1/Z2 = Z3/Z4, देन दिस वन इसको आप पुट करेंगे यहाँ पे, पुट करने के बाद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वेट करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को, इक्वेट करने के बाद ये जो ओमेगा नॉट का वैल्यू आएगा ये भी आएगा, देन ये नॉन आइडेंटिकल आरसी सर्किट है, नॉन आइडेंटिकल, ओके देन अगर आइडेंटिकल आरसी सर्किट यूटिलाइज करेंगे दैट इज R1 = R2 = R, C1 = C2 = C, देन F0 = 1/2 πRC, हेंस हियर वी सी दैट एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दैट इज F0 दैट इज द ब्रिज एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ब्रिज इज बैलेंस्ड, so this bridge circuit can be used as feedback network, okay this frequency पे ये bridge हमारा balance है, अब ये frequency हम लोग देखेंगे इस oscillator का आता है या नहीं आता है, okay like that मतलब loop gain, okay जो हम just देखेंगे। now हमने यहाँ पे देखे at frequency resonant frequency F0 the bin bridge is balanced, okay hence it can be used as feedback network for an oscillator। now hum log jo op amp ka circuit tha usme bhi dekh sakte hain, okay voltage across Z2 will act as feedback voltage, kisi bhi circuit mein dekh sakte hain, okay to feedback voltage hai aur Z1 Z2 jo form kar raha hai voltage divider network kar raha hai, okay aap dekh sakte hain ye hamara jo hai Z1 tha, Z2 था, ओके ये यहाँ पे हम लोग BF लिखे हुए थे और ये ग्राउंडेड था, ओके और इसके क्रॉस जो है इधर से हम लोग V0 को कनेक्ट किए हुए हैं, ओके V0 इसके क्रॉस वोल्टेज आ रहा है, ओके अब BF हम लोग लिख सकते हैं वोल्टेज डिवाइडेड रूल से, Z2 के क्रॉस BF है तो Z2/Z1/Z2 × V0, हम जानते हैं बीटा इक्वल टू बी एफ बाई जे वी नॉट होता है तो Z2/Z1/Z2 इसमें वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे आइडेंटिकल आरसी सर्किट यूटिलाइज कर रहे हैं तो आइडेंटिकल आरसी सर्किट यूटिलाइज करके उन्होंने यहाँ पे ये वैल्यू लिया है, ओके नाउ लूप गेन दैट इज बीटा इक्वल टू के वाई दिस वन दिस वैल्यू, नाउ एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट सेम वैल्यू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो हमने कैलकुलेट की, ओके फेज ऑफ द लूप गेन शुड बी 0 ऑफकोर्स 0 या 360 डिग्री, इसका मतलब क्या है कि इमेजिनरी पार्ट उसका क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए ऑफकोर्स, ओके जेड इक्वल टू जो है मान लेते हैं R+j0 यानी कि इट हैव द फेज एंगल ऑफ 0 डिग्री, ओके तो इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट, देन ओमेगा नॉट CR माइनस 1/ωCR इक्वल टू 0, तो ओमेगा नॉट इक्वल टू 1/RC देन F0 इक्वल टू 1/2πRC, ओके सॉरी RC, तो पहले भी हम लोग F0 यही लाए थे, यानी कि इस फ्रीक्वेंसी पे जो है हम लोग देख रहे हैं बेसिक एम्पलीफायर का सर्किट, ओके ये लूप गेन जो है यही हमारा फ्रीक्वेंसी आ रहा है तो इसी फ्रीक्वेंसी पे वो जो है ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेगा, दे प्रोवाइड द फेज शिफ्ट ऑफ 360 डिग्री, ओके नाउ अब लूप गेन कितना होगा A/3 + J0 A/3, तो सस्टेन आउटपुट के लिए मॉड ऑफ बीटा ए का वैल्यू होना चाहिए गेट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ओके देन मॉड ऑफ A/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देन मॉड ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी कि गेन का जो मिनिमम वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, इसमें क्या हुआ कि अगर हम एक एम्पलीफायर को यूटिलाइज कर रहे ऑसिलेटर की तरह, ओके तो उस ऑसिलेटर में उस एम्पलीफायर का जो मिनिमम गेन होना चाहिए वो 3 होना चाहिए,
तीन से कम अगर मिनिमम गेन रहेगा तो वो एम्पलीफायर एक ऑसिलेटर की तरह वर्क नहीं कर सकता है, चाहे आप कुछ भी फीडबैक दे दे, दैट डजंट मैटर। ओके, देन दिस इज द वीन ब्रिज ऑसिलेटर। नाउ इसका कुछ एडवांटेज है, डिसएडवांटेजेस है। ओके, बट डिसएडवांटेज डजंट मैटर बिकॉज यहाँ पे सिर्फ ये कंपोनेंट्स का डिसएडवांटेज है। ओके, ऑप-एम्प में नहीं है। ऑप-एम्प में क्या है? ओके, ऑप-एम्प में इट नीड्स ए लार्ज नंबर ऑफ अदर कंपोनेंट्स लाइक द रेसिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स, बट बाय यूजिंग द बीजेटी इट नीड्स टू एम्पलीफायर। ऑफकोर्स टू कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में यूटिलाइज कर रहे थे। ओके, एडवांटेज क्या है? इट प्रोवाइड्स अ स्टेबल लो डिस्टॉर्शन साइनसॉइडल आउटपुट विद द वाइड वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। इन्हें फ्रीक्वेंसी को वैरी करवा के हम लोग लार्ज हम लोग बहुत सारे साइनसॉइडल आउटपुट जो है हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो है हम लोग इजी वे में वैरी कर सकते हैं बाय वेरिंग द C1 एंड C2 साइमल्टेनियसली। गॉट इट? नाउ ओवरऑल गेन इज वेरी हाई। ओके, देन दिस इज द इंट्रोडक्शन सर्किट ऑफ बीन ब्रिज ऑसिलेटर बाय यूजिंग द बीजेटी एंड ऑप-एम्प एंड एनालिसिस, एंड दिस इज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बीन ब्रिज ऑसिलेटर। इफ यू लाइक दिस वीडियो, ओके, देन प्लीज ओके सब्सक्राइब एंड शेयर टू ऑल अदर कॉन्टैक्ट्स, ओके, व्हिच आई स्टडी इन द इंजीनियरिंग एंड पॉलिटेक्निक कॉलेज एज वेल। ओके, थैंक यू।